हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि जो भी लोग सऊदी अरब से ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं, वो किस तरीके से अब इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, कहां कहां उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों एक और अपडेट है वैक्सीन के हवाले से, कोवैक्सीन के हवाले से एक अपडेट आई है कि कोवैक्सीन को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने भी मान्यता दे दी है। तो अब कई सारे बड़े देश कोवैक्सीन को भी मान्यता दे चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूएसए भी शामिल है और अब इंग्लैंड भी शामिल हो गया। अगर गल्फ देशों में बात करें तो अभी ओमान और बहरीन ने ही कोवैक्सीन को मान्यता दी है। अभी सऊदी अरब, कुवैत या इसके अलावा कतर, यूएई, इन्होंने अभी तक मान्यता नहीं दी है कोवैक्सीन को। अगर हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को मिला दें तो अब तक 96 देश हैं जिन्होंने भारतीय वैक्सीन को मान्यता दे दी है। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सऊदी अरब से ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर छुट्टी पर इंडिया में आए हुए हैं, तो वो किस तरीके से ट्रेवल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए और कहां कहां वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हो चुके हैं। जो लोग सऊदी अरब से ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं तो वो भी अब जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो पहले आए हुए लोग थे, वो अधिकतर लोग अब जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक 95% लोग जो पहले छुट्टी पर आए हुए थे और इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके थे, तो वो 95% लोग वाया दुबई होकर या वाया और किसी कंट्री से होकर सऊदी अरब जा चुके हैं। जो 5% लोग बचे हुए हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो अभी भी डायरेक्ट सऊदी अरब फ्लाइट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, या तो फिर उनकी छुट्टी हुकूमत की तरफ से नहीं बढ़ी, ना ही कफिल ने ना ही कंपनी ने उनकी छुट्टी को बढ़ाया, या फिर ऐसे लोग बचे हैं जिनके पास अंत तक पैसे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, बाकी लोग जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो लोग वैक्सीन के दोनों डोज सऊदी अरब से ही लगवाकर छुट्टी पर इंडिया में आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, आपका तवक्कलना ओपन होना चाहिए इंडिया में, ये मस्ट है। एयरपोर्ट पे आपका तवक्कलना चेक होगा इंडिया में, और आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रिंट आउट ले लेना। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो सहती से आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट ले लेना। जब आपका टिकट हो उससे 2 दिन पहले, 72 घंटे पहले मांगा गया है पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट, लेकिन आप कोशिश करना कि 2 दिन पहले आप अपना पीसीआर टेस्ट करा लेंगे। ये निगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए और एग्जिट री एंट्री यानी छुट्टी पेपर का प्रिंट आउट भी आप निकाल लेंगे। और ट्रेवल करने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप मुकीम पोर्टल पर, जिसे आप कुदूम पोर्टल कहते हैं, उस पर आप अपना अराइवल का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इतनी चीजें आपको करनी है अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब से ही लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए। नंबर एक, आपका तवक्कलना ओपन होना चाहिए, आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेंगे, पीसीआर टेस्ट आप 2 दिन पहले करा लेना और एग्जिट री एंट्री यानी छुट्टी पेपर का प्रिंट आउट अपने पास रखना, निकाल लेना उसको, और मुकीम पोर्टल पर अराइवल का रजिस्ट्रेशन आप 1 दिन पहले भी कर सकते हो, 2 दिन भी पहले कर सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इतनी चीजें करने के बाद आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हो। कई सारे शहरों से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में फ्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है, कम संख्या में फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाएगी और कनेक्टिंग फ्लाइट भी सऊदी अरब के लिए मिल जाएगी। तो अब अगर आप सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं तो इतनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी सऊदी अरब जाने के लिए। बहरहाल दोस्तों अभी जो भी लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, जो भी लोग बचे हुए हैं या जो लोग नए वीजा पर ट्रेवल करना चाहते हैं, वाया नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों अभी तक फ्लाइट को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी तक फ्लाइट को लेकर कोई खबर नहीं आई है। आगे दोस्तों कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।